नमस्कार दोस्तों, वीएली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएली हैं और सीएससी के माध्यम से सर्विसेज में काम करते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि अभी सीएससी के माध्यम से एलपीजी गैस सर्विसेज के भीतर जहाँ पे आप सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, गैस बुकिंग का काम करते थे, अभी वहाँ पे नया गैस कनेक्शन करने की भी फैसिलिटी जो है स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में बहुत सारे जो वीएली भाई हैं, उन्होंने लोगों का केवाईसी करके उनको नया कनेक्शन दिला भी दिया है। तो ये सर्विस किस तरीके से काम करती है और कैसे आप अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से गैस कनेक्शन दिलाना हो, रिफ़िल बुक करना हो, या फिर सिलेंडर डिलीवरी वगैरह में काम कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो बाकी दोस्तों को चैनल बिल्कुल मत भूलिएगा। वीएली सोसाइटी मोबाइल ऐप पर ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ से भी करके आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों, जैसे कि अभी आपने ट्विटर पे देखा होगा, सीएससी के दूर दराज गाँव में महिलाओं को मिला स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उत्तराखंड के सितारागंज ब्लॉक स्थित दूर दराज गाँव की महिलाएं अभी भी खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करती थी। सीएससी के जरिए दी जा रही एलपीजी गैस सेवा से गृहणियों को काफ़ी राहत मिली है, ठीक है। इनको सीएससी के माध्यम से गैस कनेक्शन दिया गया है, जिसको लेकर न्यूज़लेटर के भीतर भी कवर किया गया है। और इसके ऊपर मैंने जो सीसी का पोर्टल है वहाँ का भी इंटरफेस कैसे क्या करके आपको करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले बस देख लेते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करके खाना पकाना कई लोगों के लिए सामान्य बात है, लेकिन उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के गाँव की बीना रावत के लिए नया गैस कनेक्शन मिलना किसी उत्सव से कम नहीं है। बकौल बिना आज एक दावत तो बनती ही है, और 5 लोगों के मेरे परिवार के लिए झुमरे की खीर से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। मनरेगा मजदूर बीना के लिए, जो 3 बच्चों की माँ है, चूल्हे पर खाना पकाने के लिए आसपास के इलाकों में सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए दिन खत्म हो गए हैं। बीना जो उत्तराखंड के सितारगंज ब्लॉक से आती हैं, राज्य में सीएससी सेवा की भारत गैस एलपीजी की लाभार्थी हैं, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को भारत गैस के एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। भारत गैस का यह मिनी केंद्र वीएली राजेंद्र सिंह राणा द्वारा चलाया जा रहा है। पहले अक्सर मटिया गांव में महिलाएं घर का खाना धुएं वाले चूल्हों पर बनाती थी, जिससे उनके फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता था। आंकड़े बताते हैं कि इस तरह के धुएं से रसोई की वजह से ढेरों ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब राजेंद्र सिंह राणा जैसे सीएससी वीएली की मदद से ग्रामीणों को रसोई गैस कनेक्शन मिल रहा है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से एलपीजी सेवा बहुत आकर्षक साबित हुई है और राज्य भर में ढेरों निम्न आय वाले परिवारों तक पहुंच गई है। इस कदम ने धुएं वाले किचन से ग्रामीण महिलाओं को छुटकारा दिलाया है। 33 साल के वीएली राजन सिंह ने 2014 में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वीएली बनने का फैसला किया और अगस्त 2016 में सीएससी में शामिल हुए। आज तक वीएली ने 800 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शनों की बुकिंग की है, जिनमें से अधिकांश गरीब महिलाएं वीएली अपने क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा का भी लाभ पहुंचा रहे हैं। बकौल राजेश, सीएससी ने न केवल मुझे एक सम्मानित आजीविका दिलाया है, बल्कि उद्यम सिंह नगर में पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों की सेवा का अवसर उपलब्ध कराया है। मैं सीएससी के सभी वरिष्ठ कर्मचारियों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सीएससी के माध्यम से एलपीजी गैस कनेक्शन होता है, तो अगर आपने अभी ये वाली सर्विस में काम स्टार्ट नहीं किया है तो सिंपली से गूगल पर जाकर सर्च कर लेना सीएससी एलपीजी वीएलई सोसाइटी, ठीक है। इतना लिख के जैसे सर्च करोगे तो ऊपर आपको देखो सीएससी एलपीजी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिल जाएगा, जहां से आप सीख सकते हो कि सीएससी के माध्यम से एलपीजी गैस वाला काम करने के लिए किस तरीके से आपको इसके भीतर एग्रीमेंट करना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। वो सारा सब कुछ हो जाने के बाद आप इसमें जो है काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके यहाँ पे जो भी एलपीजी डीलर है, जिसके साथ में भी एग्रीमेंट हुआ है आपका, उससे अथॉरिटी लेकर वहाँ पे आप एलपीजी गैस कनेक्शन का भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। रिफ़िल बुकिंग और सिलेंडर डिलीवरी का काम तो आप कर ही सकते हो, जिस पे भी आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स एक वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, जिसमें वो सर्विस क्या है, कैसे काम कर सकती है, आप देख सकते हो। फिर भी कुछ सवाल रहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मोबाइल ऐप पर लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।